जब 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों की माफ किया जा सकता है तो किसानों की 1,17,000 करोड़ रुपया माफ किया जा सकता है। किसान सबसे पीड़ित और सबसे व्यथित और सबसे शोषित व्यक्ति है। मेरे आंखों में आंसू है। मेरे दरवाजे हिंदुस्तान के किसान के लिए आपके लिए खुले हैं, खुले रहेंगे। ये भाजपा सरकार जो है किसानों को लालच और धोखा देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो नियम हैं वो गोपनीय रखे हुए हैं। कहीं भी सरकारी कार्यालय पे, बैंक पटल पे या किसान की पासबुक पे फसल बीमा योजना के नियम एक भी अंकित नहीं है। उसके बाद किसान के समक्ष जो क्रॉप कटिंग की जाती है, रिकॉर्ड बनाया जाता है, वो रिकॉर्ड बदल दिया जाता है। मैंने मेरे गाँव का रिकॉर्ड 70% 2020 में तहसीलदार से सर्टिफाई करा के लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के सामने रखा, कृषि मंत्री जी के सामने रखा, लेकिन आज तक कहीं से कहीं तक किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला है। अपने कृषि के अंदर लागत कम होगी और आय ज्यादा होगी और रेट ज्यादा मिलेगी, तभी तो किसान का विकास होगा। होता क्या है, लागत तो ज्यादा है, आय कम है, वो खर्चे ज्यादा है, किसानों को आत्महत्या करना ही पड़ेगा। सरकार कोई साथ देती नहीं है। एक हमारे साथ बड़ी विडंबना हो रही है कि हम जब भी प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहला आरोप लगाया जाता है कि हम लोग टैक्स पेयर नहीं है, हम टैक्स पेयर का पैसा ले रहे हैं। जबकि सर 7.5 करोड़ जो टैक्स पेयर है उसमें से 5.5 करोड़ लोग तो देश में जीरो टैक्स फाइलिंग करते हैं। हम किसान भारत का एक इकलौता सेगमेंट है जो टोटल प्रोडक्शन पर टैक्स देता है। जब भी हमारी कर्ज माफी की बात आती है जिसको हम रिबेट के रूप में लेना चाहते हैं तो उस समय हमारे ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं। GST तो आप भी देते हो, टैक्स आप भी देते हो, ये तो कोई कह नहीं सकता कि आप टैक्स नहीं देते हो। एक बात जरूर है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 100 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। वो पैसा कहां से आया? वो GST का पैसा है। अरबपतियों ने लोन लिया था, लोन वापस नहीं दे पाए, वो लोन माफ कर दिया गया। तो उनके लिए एक कानून है, आपके लिए दूसरा कानून है। तो मुझे लगता है ये तो सही बात नहीं है। अगर कर्जा माफ करना है और उनका करना है तो फिर आपका भी होना चाहिए। दूसरी बात, हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया है कि हम लीगल गारंटी MSP के लिए देंगे। हम अगर चुनाव जीतेंगे हम वो काम करके आपको दे देंगे। आपने फसल बीमा योजना की बात की, पैसा आपका जाता है, GST से जाता है। हिंदुस्तान की सरकार थोड़ा पैसा डालती है, आप डालते हो, स्टेट की सरकार डालती है। फिर जब नुकसान होता है आपको ईमेल लिखना पड़ता है, आपको फोन लगाना पड़ता है, कोई फोन उठाता नहीं है, कोई ईमेल का जवाब नहीं आता है। और फिर जो आपको मुआवजा मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, 90% किसानों को वो नहीं मिलता है। तो ये जो इनकी फसल बीमा योजना है, हमारी सरकार आएगी, हम इसको स्टडी करेंगे और जो आपको इससे न्याय मिलना चाहिए वो हम आपको करके दे देंगे। जो हिंदुस्तान को बनाने का काम करता है उस पर आक्रमण हो रहा है और जो हिंदुस्तान को बेचने का काम करता है उसको पूरी सपोर्ट मिल रही है। तो इसको बदलना है और उनकी मदद होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हमारा सिस्टम सुनने का सिस्टम है, BJP का सिस्टम प्रचार करने का सिस्टम। 60% लोग मजदूरी करने जाते हैं सर, बिस्तर बांध के छोटे छोटे बच्चे ले जाके, तो क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देने की जमीन तो ये घाटा का सौदा है सर। 40,000 लगाएंगे 22,000 रुपए मिलेंगे, तो जमीन में तो कोई फायदा है नहीं सर। और खाद बीज इतना महंगा हो गया कि वो जो दुगना रेट में खाद बीज में पूरा हो जाता है। मैं SC की हूँ सर और हमारे समाज पूरी मजदूरी करने जाती है बाहर। जब 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों की माफ किया जा सकता है तो किसानों की 1,17,000 करोड़ रुपया माफ किया जा सकता है। यही मेरा आपसे निवेदन है। मध्य प्रदेश किसान खास करके मालवा क्षेत्र में प्याज की फसल बड़ी पैमाने पर उत्पादित होती है और जब हमारे पास प्याज का उत्पादन बफर रूप से आता है तब सरकार निर्यात बंद कर देती है और व्यापारी लोग हमारा प्याज जो बहुत नॉमिनल कीमत पे खरीदते हैं। और जब हमारे पास से व्यापारियों के गोदामों में प्याज पूरा चला जाता है तब ये निर्यात खोल देते हैं और वो लोगों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। मगर आपने जो बोला ना, ये
किसानों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के साथ मारा जाता है। जी जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सही टाइम पे मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल देते हैं, बंद कर देते हैं, और जो आपका दाम है फिर आपको मिलता नहीं। अपनी जब सरकार थी तो उस समय डॉलर चने का निर्यात बंद कर दिया, लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जी और आपकी सरकार ने, अपनी सरकार ने डॉलर का निर्यात चालू कर दिया था। हम किसान सम्पन्न हुए थे। किसान सबसे पीड़ित और सबसे व्यथित और सबसे शोषित व्यक्ति है। उसकी हर कीमत तय की जाती है, हर चीज पे MSP मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है। हमारी तो नीलामी होती है, नीलामी में मेरे आंखों में आंसू है और दिल में आक्रोश भी है। मेरे दरवाजे हिंदुस्तान के किसान के लिए, मध्य प्रदेश के किसान के लिए, आपके लिए खुले हैं, खुले रहेंगे, और जो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं दिल से पूरा दम लगा के आपकी मदद करूँगा।